वेलकम, हेलो और नमस्कार। आज आपके लिए बनाएंगे ये स्पेशल हार्ट केक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं ये सीव कर रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट, जिसमें मैंने ऐड किया है कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सॉल्ट। सबसे पहले इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से सीव करना है। ये केक डिज़ाइन आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये देखने में जितना सुंदर है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए अब ये लेना है बाउल, जिसमें लिया है मैंने एक कप शुगर पाउडर और फिर इसमें ऐड किया है ये ऑयल, फ्रेश दही और ये मिल्क है। इसमें मैंने एक चम्मच विनेगर ऐड करके रख दिया है। और अब ये शुगर, ऑयल और दही को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इस ड्राई फ्लावर को इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये रेसिपी काफ़ी इजी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप इसे इजीली घर पर बना सकते हैं। इस फ्लावर को मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ, जिससे इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। और फिर अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये मिल्क। इस रेसिपी में मैंने कोई प्रीमिक्स यूज़ नहीं किया है, तो आप इसे इजीली घर पर ही सारे इंग्रेडिएंट लाकर बना सकते हैं। केक का बैटर स्मूथ रेडी करना है, ज़्यादा टाइट ना हो। अब इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लेंगे। और फिर इसमें ऐड करना है ये रेड फूड कलर। अब ये बैटर मैंने रेडी कर लिया है। इस बैटर का टेक्सचर बिल्कुल ऐसा ही हो, इससे पतला ना हो। और फिर हार्ट शेप केक के लिए मैंने यहाँ यूज़ किया है ये हार्ट शेप की टिन। और अब मैं इसमें अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लूँगी। हम इसमें मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये टिन काफ़ी अच्छे से ग्रीस हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर सेट करूँगी ये बटर पेपर। इसे मैंने हार्ट शेप में ही कट कर लिया था, ये देखिए। अब इसे इस टिन में अच्छे से सेट कर देते हैं और एक बार फिर इसके ऊपर से ऑयल ग्रीस कर देना है। और फिर ये बेकिंग ट्रे रेडी हो जाएगा, ये देखिए। और अब मैं इसमें डालती हूँ ये रेडी बैटर। और ये बैटर अच्छे से सेट होने के बाद अब इस ट्रे को 2 से 3 बार अच्छे से टैप कर लेना है। इससे क्या होगा ना कि इसमें बबल्स नहीं आएंगे। और फिर इसे 35 मिनट के लिए प्री हीट ओवन में बेक करना है। ये देखिए, अब ये केक रेडी हो गया है। केक अच्छे से ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, फिर इसे स्क्रीन से रिमूव कर लेते हैं। इसे रिमूव करने के बाद इसका बटर पेपर निकाल दें और फिर इसकी अच्छी सी कटिंग कर लेनी है। काफ़ी इजीली हम इसे थ्रेड या नाइफ से कट कर सकते हैं, मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं केक डेकोरेटिंग। Thank you.
ये देखिए अभी स्पेशल केक सर्व करने के लिए रेडी है। तो अब आप बताइए स्पेशल डे के लिए स्पेशल केक है ना रेडी। और हाँ, आपको केक डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आप करें इंतज़ार, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।